नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है शबनम केस से। शबनम केस में शबनम ने एपी सिंह को बुलाया है जेल में। एपी सिंह को बुला करके कुछ बातें हुई हैं दोनों के बीच में। क्या हुआ है बातें, क्यों बुलाया गया है एपी सिंह को जेल में शबनम के द्वारा, जबकि शबनम की दया याचिका अभी तक पेंडिंग है, तो इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। उससे पहले आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। साथ ही आपको अगर चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों शबनम की दया याचिका अभी तक राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। हो सकता है 1 से 2 दिन में दया याचिका खारिज कर दिया जाए, उसके बाद कोर्ट के द्वारा डेथ वारंट इशू होगा। तो दया याचिका जब खारिज होगा तब एपी सिंह फिर से एक अपील दायर करेंगे। ये जानने वाली बात ये होगी कि क्या अब एपी सिंह कौन सी दलील जो है ये कह सकते हैं, या कौन सी अपील किया जाएगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बातें हैं। और इसी के लिए शबनम ने एपी सिंह को बुलाया है ताकि बारीकी से चर्चा कर सके कि अब आगे की क्या रणनीति की रची जाए, यानी आगे किस तरह से और भी डिले किया जाए फांसी को। क्योंकि आपको पता है कि निर्भया कांड में किस तरह से एपी सिंह ने उन चारों को फांसी से कितना कब तक बचाया था, काफ़ी दिनों तक। वो कानून के बहुत सारे कुछ जानते हैं एपी सिंह, इस वजह से उसने बहुत सारे कह सकते हैं कि एक कानून का एक जो लचीलापन है, या कह सकते हैं कि कुछ खमियां है, जिसका इस्तेमाल करके काफ़ी दिनों तक निर्भया के चारों अपराधी को बचाया गया था। अब इस केस में भी ठीक ऐसा ही होगा कि अब शबनम को किस तरह से बचाया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो अब देखते हैं कि अब अगले जो दया याचिका जब खारिज होती है तब क्या होता है, क्योंकि दया याचिका जब तक पेंडिंग है तब तक उन लोगों को फांसी नहीं हो सकती। या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तब एपी सिंह का क्या कदम होगा, ये जानने वाली बातें हैं। तो इसी के ऊपर कल जेल में शबनम और एपी सिंह के बीच में चर्चा हुई, काफ़ी देर तक चर्चा हुई। उसके बाद से अब जब एपी सिंह बाहर निकल के आए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मीडिया से। अब देखते हैं कि अब क्या कोई नया जो कह सकते हैं एक अपील किया जाएगा, या कुछ नया कुछ बातें सामने आएगी जो कि एपी सिंह कहेंगे सभी से, ये जानने वाली बातें हैं। तो जो भी होगा आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने कोई मिस किया है तो जाकर के प्लेलिस्ट है शबनम प्लेलिस्ट, तो आप वहां पर के जाकर के देख सकते हो। कई सारे आपको वीडियो हर एक दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले कह सकते हैं कि अपडेट के साथ। क्या कुछ है वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।